ज्ञान परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु महान नायक। छोटी सी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थ्य के नाम में आपकी कृपा का दिन। कृपा परमेश्वर आपका अनुग्रह परमेश्वर हमारे से बना हुआ है। जब परमेश्वर के चरणों में आते हैं और जब जीवन को बिताते हैं तो हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे परमेश्वर रुष्ट हो जाता है, जिससे परमेश्वर हमसे दुखी हो जाता है, दूर हो जाता है और शैतान हमारे जीवन में काम करने लगता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मसीह की बात कर रहा हूं। हम सब लोग चुने हुए हैं लेकिन सब लोग इंसान है, हम परिपक्व नहीं है, हम सिद्ध नहीं है, हमसे गलतियां होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसको परमेश्वर माफ करता है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिस गलतियों के लिए परमेश्वर गंभीर है, गंभीर है, वो माफ नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप उस नियम को तोड़ो। परमेश्वर के लिए नियम और उसकी आज्ञा बहुत जरूरी है, नियम की जरूरी है। आदम से क्या कहा था परमेश्वर ने? कि इस फल को मत खाओ। क्या उस फल में पाप था? नहीं, उसने जो आज्ञा नहीं मानी वो पाप। मूसा जो कि परमेश्वर का चुना हुआ था, जब मरियम और हारून ने मूसा के रुद अपनी वाणी को खोला, अपने मुंह को खोला, तो परमेश्वर उतर आया और परमेश्वर ने क्या कहा था मरियम से? तू क्या समझती है मूसा एक नबी है? वो नबी से भी बढ़कर नबियों को मैं दर्शन देता हूं, अपनी अपने इच्छा बताता हूं, वो बोलते हैं, लेकिन मूसा के आमने सामने मैं बात करता हूं। वो है मूसा मेरे लिए, लेकिन जब मूसा ने गलती की तो परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया। जब मूसा परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चला तो वो उस कनान देश में प्रॉमिसिंग लैंड में नहीं पहुंच पाया, नहीं देख पाया। तो परमेश्वर अपने लोगों को बहुत बारीकी से देखता है, क्योंकि उसने आपको चुना है, आप चुने हुए हैं। आप कभी सुबह उठकर महसूस करते हैं कि मैं चुना हूं? महसूस करें, मैं अलग हूं, मैं चुना हूं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं स्वर्गीय हूं। मैं महसूस किया, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान यीशु से है और यीशु मुझ में है। हम सबसे पहले सुबह उठकर अपनी आइडेंटिफिकेशन को अपने साथ नाम में रखें। मैं काम करने वाला नहीं हूं, मैं धंधा करने वाला नहीं हूं। आप किसी के बाप बाद में है, आप किसी के हस्बैंड बाप में है, आप किसी की पत्नी बाद में है, आप किसी की बेटी बाद में है, आप पहले प्रभु के हैं। यीशु मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है?
मैं यीशु को कहा हूं, इस चीज को याद करिए। और जब आप इस चीज को याद करेंगे मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर काम करेगा, परमेश्वर का ज्ञान आपको बढ़ाएगा। याद रखिए, परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा उस ज्ञान को, उस ज्ञान के मुताबिक अपने जीवन को चले। मैं आज आपको वो कहानी बताऊंगा जिसमें एक याजक है एली, जिसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी परमेश्वर का दर्द उसे मिला। हेलो, वो चुना हुआ था, वो परमेश्वर का याजक था, उसे कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर का दर्द उसे मिला। क्यों मिला और क्यों ये चीजें और मसीहों के जीवन में भी होती है, क्यों, इसी को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, वचन को समझने की कोशिश करिए। इब्रानियों 3:7 कहता है कि जब पवित्र आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी कठोरता को दूर करिए, नहीं तो आप कभी के नहीं रहेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अंतिम समय है, प्रभु कभी भी आ सकता है, कभी भी यीशु स्वर्ग से बादलों के सवार आ सकता है आपको लेने के लिए। याद रखिए, इसके छोटी सी छोटी बातों को समझने का, छोटी सी छोटी बातों के अनुसार जीवन को बिताने के लिए अपने आप को बनाइए, सवारिए, उससे मांगिए कि मैं कैसे चलूं। मेरा धंधा कैसे बढ़े, मेरी नौकरी कैसे बढ़े, अरे भूल जाइए, मैं कैसे आगे बढ़ूं। अगर आप परमेश्वर के स्वभाव में बने रहेंगे, अगर परमेश्वर का स्वभाव आप में रहेगा ना मेरे भाई, आपके पीछे दुनिया भागेगी। दुनिया भागेगी आपके पीछे, उसका वजन है, तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, तू क्या पिएगा, चिंता मत कर, पहले मेरे राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें तेरे पीछे आएंगी। तो यहां पर एक याजक है जिसका नाम है एली, जो शैमुएल की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। हालेलुया, इसीलिए इसी याजक ने हनन्याह के साथ प्रार्थना की थी और उसको आशीष दिया था और हनन्याह की गोद पड़ेगी। हालेलुया, अब इस याजक ने जो गलती रखी, इस याजक को परमेश्वर के एक भक्त ने कुछ भविष्यवाणी की। हालेलुया, तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था, और क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पैदा करे, और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इज़राइलियों के सारे होमे न दिए थे, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्य बलि को जिन्हें मैंने अपने नाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है उन्हें तुम लोग क्यों पाप करे रोंगते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। हेलो, परमेश्वर ने एली को चुना था, एली के परिवार को चुना था कि तू मेरा याजक होगा। मेरे सवाल, क्या गलती थी एली की कि वो अपने पुत्रों को परमेश्वर से ज्यादा आदर देता था,
मन हम भावनाओं में कहे जाते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि मसीह जीवन भावनाओं में रहने का नहीं, मसीह जीवन वचनों के अनुसार चलने का। हम कभी कभी अपने रिश्तों में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि वो रिश्ते हमारे हमको परमेश्वर से दूर करते हैं, क्योंकि हम उन रिश्तों को परमेश्वर से ऊंचा मानते हैं। क्या उसने बोला अपनी लाइन कि तू अपने पुत्रों को और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? तू अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। 31वां पढ़िए, 31वां 30 पढ़ ले, 30 ले, 30 तो पढ़ो, 30 तो पढ़ो। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तब था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा उनका आदर करूंगा और जो मुझसे जो मुझे तुझे जाने वे छोटे समझे जाएंगे। जो मेरा आदर करता है, हम कभी कभी भावनाओं में बहकर अपने रिश्तों को परमेश्वर से ज्यादा नहीं कहते। बाइबल कभी नहीं कहती कि हमें अपने रिश्तों को अहमियत नहीं देनी। बाइबल कभी नहीं कहती कि हमें रिश्तों से प्यार नहीं करना है। एली के जो बेटे थे वो याजक बनकर लोगों को गलत तरीके से सीख देते थे, गलत तरीके से उनकी भेंटों को चुराते थे, व्यभिचार करते थे, बहुत से दुष्कर्म करते थे, लेकिन एली कभी भी उनको ना नहीं कहता था, उनको नहीं कहता था बेटा तुम गलत कर रहे हो। एली का कोई गुनाह नहीं था, एली का गुनाह था कि तू अपने बेटे को क्यों नहीं समझाता है, तू अपने बेटे को क्यों नहीं काटता है। हम अपने बेटों के चक्कर में बंध जाते हैं कि नहीं मेरा बच्चा, ये तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो क्या कहता है 31वां पढ़िए, 31वां 31। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भूजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भूजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बुरा ना होने ना पाएगा। मैं ये देता है परमेश्वर शराब कि अब से तेरे घराने में कोई बुरा नहीं हो पाएगा, यानी कि जवानी में ही तुम लोग खत्म हो जाओगे। अपने बच्चों को परमेश्वर से ऊंचा स्थान दिया। ये परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी हो। हर किसी का बच्चा उसके जीवन का टुकड़ा होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा, हर आदमी चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, आपका बच्चा आपके जीवन में टुकड़ा है, मेरे पर बच्चा जीवन में टुकड़ा है, लेकिन परमेश्वर का नियम उससे ऊपर है। वो कहता है कि तू अपने पुत्रों को क्यों मुझसे बढ़कर आदर देता है? अगर तू अपने पुत्रों को नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा? हम इतने भावनाओं में बह जाते हैं कि मैंने पाला है, मैंने पुत्र को जन्म दिया है, वो कमा के लाता है, वो दो रोटी घर में ला रहा है, वो अगर नाराज हो जाएगा तो क्या होगा? अगर वो नाराज हो जाएगा तो चलेगा, परमेश्वर नाराज हो जाएगा तो क्या चलेगा, क्या होगा? आज मसीह बहुत से परिवार बंधन में है। क्यों बंधन में है? वो चर्च आते हैं, वो वचन को जानते हैं, लेकिन फिर भी बंधन में। क्यों क्यों नहीं सवाल करते अपने आप से आप लोग, मैं चर्च भी आता हूं, दान दशांश भी देता हूं, क्यों बंधन में हूं मैं? क्यों अपने आप को छांट कर देखिए, कौन सी ऐसी गलती मुझसे हो रही है? परमेश्वर न्यायी है, वो अपने वचन के अनुसार काम करता है।
किसी को नहीं देता। मरियम जिसकी कोख से यीशु मसीह ने जन्म लिया, कभी आपने देखा कि मरियम आई हो यीशु मसीह के पास? यीशु सुना है तू 12 चेलों का चुनाव कर रहा है, सुना है कि तू 12 चेले देने चाहिए, देख ली याकूब है, ये यहूदा है मेरा बेटा, मेरे भाई है, इनको बना लेना आपका, इनको बना ले आपका चेला बना ले। वो तो जानती थी ना कि वो कौन है, मरियम से ज्यादा और कौन जानता था, उसने पैदा किया था, उसने जन्म दिया था, उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा था, वो जानती थी ये परमेश्वर का पुत्र है, वो जानती थी। लेकिन उसने नहीं कहा कि मेरे यहूदा और मेरे याकूब को जेम्स को अपना चेला बना ले, परमेश्वर पढ़ा उसने जब्ती की माँ आ गई थी यीशु मसीह के पास, जब्ती की माँ आ गई थी कि मेरा बेटा ये यहोन्ना और ये याकूब है, ऐसा कर कि ये तेरे दाहिनी ओर बैठे, तेरे बाईं ओर बैठे, आई थी मरियम आई, इसलिए मरियम थी, इसलिए मरियम थी, नहीं आई कि मेरे बेटे को तो अपना बना ले, वो तो जानती थी यीशु कौन है, ये यीशु है जो उद्धार करता है, वो जानती थी, वो जानती थी कि यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आया और वो उठा लिया जाएगा, वो जानती थी, लेकिन फिर भी बोले, नहीं बोले, क्योंकि वो ये भी जानती थी कि परमेश्वर की योजना अद्भुत है। आपका चुनाव आप क्या समझते हैं आपकी वजह से हुआ, आपका चुनाव आप क्या समझते कि आपको देखकर परमेश्वर ने किया? बाइबल में लिखा हुआ है कि अंतिम समय में दो भाई सोने होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक सोता रहेगा, दो औरतें काम कर रही हैं चक्की में, एक उठा ली जाएगी एक छोड़ दी जाएगी, परमेश्वर चुनता है, उसने आपको चुना है, आपके भाई को नहीं चुना, उसने आपको चुना आपके बच्चे को नहीं चुना है, अगर उसने आपको चुना और आपके बच्चे को नहीं चुना है तो अपने बच्चे के लिए परमेश्वर के साधना मत करिए, अपने बच्चे के लिए परमेश्वर के नियम पर चलिए, ये ना हो कि आप परमेश्वर अपने बच्चे के लिए परमेश्वर के नियम तोड़े और परमेश्वर आपसे परमेश्वर आपके विरुद्ध हो जाए, गिनाओ याद रखिए, अगर आपका बच्चा परमेश्वर के नियम पे नहीं चल रहा है उसको समझाइए, अगर वो नहीं मान रहा है अलर्ट हो जाइए, लेकिन उस परमेश्वर को मत छोड़िए। लोगों में बहुत बड़ा आत्मविश्वास होता है, दूसरा कुरिन्थियों 6:14 कहता है कि आसमान जुए में मत जीतो, आसमान जुए में मत जीतो, और बेटा दूसरा कुरिन्थियों 6:14 अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जीतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जो, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? अविश्वासियों के साथ अविश्वास कौन सा असमान जुए में मत जीतो, क्योंकि धार्मिकता और धार्मिकता का क्या मेल, ज्योति और अंधकार का क्या मेल, ये सब। लेकिन आज भी अविश्वासी होने के बाद अविश्वासी लड़कियों से शादी करते हैं, और उसके बाद या अविश्वासी लड़के से शादी करते हैं, और जब वो अविश्वासी लड़का या अविश्वासी लड़की आपको चोट पहुंचाती है, सबसे पहले आप सोचते कि नहीं हम उसे बना लेंगे यार, हम उसे चढ़ ले जाएंगे, उसका बपतिस्मा करा लेंगे, ठीक हो जाएगा, ये लड़का है अच्छा है इसको चढ़ ले जाएंगे, नहीं, जिसको परमेश्वर ने नहीं चुना है उसको आप नहीं बना सकते,
जिसको परमेश्वर ने नहीं चुना है हम उसे चुनने की गलती करते हैं। क्या परमेश्वर ने चुना है? क्या परमेश्वर ने चुना है जिसे आप चुन रहे हैं? तो आप तो चुन रहे हैं, आपको परमेश्वर से ज्यादा विश्वास है? आप प्यार में अंधे हो जाते हैं और आसमान जुए की वो अविश्वासी लड़की को या अविश्वासी लड़के को आप उठा लेते हैं और बंधन आप बांध देते हैं, शादी का बंधन। 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब चीजें नहीं जमती, जब शैतान काम करता है, फिर आप कहते क्या होंगे? लड़की इधर लड़का उधर और शैतान काम करता है। आसमान जुए में जुट गए, हमारे रिश्ते अगर हमारे और मेरे परमेश्वर के बीच में आड़ आते हैं तो हमें उन रिश्तों को ध्यान से देखना है। कोई भी रिश्ता मुझे परमेश्वर से दूर ना कर सके, कोई भी रिश्ता, चाहे वो आपका बेटा हो जिसे आपने अपनी कोख से जन्म दिया हो, अगर उसकी वजह से आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो तो सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। एली का जवाब देखा आपने? एली, एली का क्या गुना था? वो याजक था, वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था। क्या गुना था उसका? कि सिर्फ उसके बच्चे गलतियां करते थे, उसके बच्चे गलत काम करते थे और वो उन्हें डांटता नहीं था। ऐसे यहां बहुत से बाबा बाबा हो। एली के बच्चे परमेश्वर के विरुद्ध बात करते थे लेकिन एली चुप रहता, मेरा बच्चा तो आपने ठीक है। क्या कहा है कंसेशन ने? कि मैं उन पर श्राप लाऊंगा, वो बुढ़ापा नहीं देख पाएंगे। और अगर बाइबल को आप पढ़ेंगे ना, तो फरिश्ते परमेश्वर का संदूक उठा के लेके गए थे तो एक ही दिन में दोनों बेटों और एली की मौत हो गई। एक ही दिन में। और वो यहां बोलता है पहला शैमुएल 3:12-13-14 पढ़िए, 13 और 14 पहला शैमुएल 3। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। जिसे वो जानता है, कई बार एली जानता है कि उसके उसके जो बच्चे हैं गलत है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। कई बार आप जानते हैं कि आपका बच्चा गलत है, आप चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा है। वो कहता है जानता है, एली जानता है, जिनको वो जानता है क्योंकि उसके पुत्र अपने स्वयं शाप बनाए हैं उन्हें, उसने उन्हें नहीं डांटा। वो जानता है कि वो गलत कर रहे हैं लेकिन उसने नहीं डांटा। क्यों नहीं डांटा? क्योंकि बच्चे पैदा हो गए, अभी अभी बच्चों को डांटेंगे तो बच्चे हमें डांटेंगे, बच्चे हमें सिखाएंगे। घर में टेंशन होगा, घर में सदा होगा, अरे छोड़ो यार छोड़ो, जो कर रहे हैं हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अरे क्या प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर ने आपको बच्चा क्यों दिया है? भजन संहिता 127 का 3 क्या कहता है? बच्चे परमेश्वर के दिए हुए दान है आपके पास, जिनको आपको परमेश्वर के बारे में बताना है। अपने आज के बच्चों को आपको परमेश्वर के बारे में बताना है। परमेश्वर ऊपर से नहीं आएगा कि आप प्रार्थना करें परमेश्वर मेरा बच्चा सुन नहीं रहा है, आपको सुनाना पड़ेगा। अगर आपके घर में आग लग जाती है और आपका बच्चा एक बिस्तर पर सो जाता है, क्या करेंगे आप? उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे? कह रहे हैं मेरी मम्मी मुझे छोड़ दो, 10 मिनट और छोड़ दो, आप पानी डालेंगे, छप्पड़ मारेंगे, उसे उठाएं, चल बढ़ जाएगा, नहीं तो होगा कि नहीं होगा? होगा कि आएगा ना? इसी तरीके से अगर आपका बच्चा नर्क में जा रहा है तो उसको छापड़ मारना पड़े या कुछ भी करना पड़े, उसे बताइए कि वो गलत कर रहा है। और अगर नहीं बताएंगे तो
परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आएगा जैसा एली के ऊपर आया। आप बच नहीं सकते, आप आंखें बंद कर ले और आप ये समझे कि नहीं रात चलेगी अब सुबह हो जाएगा, नहीं होगा। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, सामना करिए, सामना करिए। वो क्या कहता है कि वो जानते थे कि उसके बच्चे जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसने उन्हें नहीं डांटा। इसलिए मैंने एली के परिवार के विषय में शपथ खाई है कि एली के परिवार के अधर्म का प्रायश्चित न तो बलिदान से और न ही भेंटों के द्वारा कभी होगा। एक बार परमेश्वर आपके रूप हो जाए, फिर आप कितने भी बलिदान चढ़ा लें, आप कितना भी प्रायश्चित कर लें, नहीं स्वीकार किया जाए। लिखा हुआ मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है परमेश्वर आपको मौका देता है, अगर आप परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चलेंगे, चाहे आप कितने बड़े विश्वासी हो, चाहे कितने सालों से आप चर्च में आ रहे हो, लेकिन अगर वचन के अनुसार नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, आई एम सॉरी, आपका कोई भी बलिदान आपका प्रायश्चित स्वीकार नहीं किया जाएगा। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर मेरा भाई है क्या करूं, परमेश्वर मेरी बहन है क्या करूं, मेरा बेटा है क्या करूं मैं, क्या करूं ना, परमेश्वर कहेगा क्या करूं मैं, मेरा 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 भी नियम कहता है कि तुझे मार डालू क्या करूं। जैसा भी छोगे वैसा काटोगे। फिर मत कहिएगा कि मेरे घर में सब प्रार्थना भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन मेरे घर में आनंद ही नहीं है, शांति नहीं है, बरकत नहीं है। क्यों बरकत नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का श्राप आपके जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चल रहे, नहीं चल रहे आप। चार कैसे बोली हाउ से पूछे चार कैसे नियम के अनुसार ही आप चलेंगे, आप नौकरी करेंगे, आप नौकरी बैठे नियम के अनुसार आप काम करेंगे तो आपको पकड़ लेंगे। गलत कह रहा हूं, अगर उस कंपनी के नियम के अगेंस्ट काम करेंगे, दूसरी कंपनी का नियम किस कंपनी में लागू करेंगे, आप काम कर सकते हैं। हर कंपनी का अपना नियम है, परमेश्वर का नियम है। आप परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चलेंगे, वो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, आपको नहीं बर्दाश्त करेगा वो। उसे जान कैसे पड़ी है? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई।
परमेश्वर ने आदम को चुना था, उनके सामने को आड़ा भी माना, उनको बचाया भी, काफी किया, इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र से निकाल कर लाया, अपने लहू से उन्हें शुद्ध किया, सब कुछ किया, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं था, इसलिए वो कुड़ाने लगे। इसलिए बोलता हूं परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को समझ ही रहे थे, क्यों कुड़ा रहे थे? परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो आपके साथ है, वो आपको लेके आ रहा है, दिन में बादल का खंभा बनकर, रात को आपका खंभा बनकर 40 साल तक आपके साथ है, 40 साल तक आपको मन्ना खिला रहा है, फिर भी आप नहीं समझ रहे, क्यों? क्योंकि आपके अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता की वजह से। हेलो, अज्ञानता की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आपके बड़े बेटा, किससे बात कर रहा हूँ? परमेश्वर का एक अविश्वासी से बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहा हूँ? याजक से बात कर रहा हूँ। हम कौन है? हम लोग परमेश्वर के कौन है? याजक है। बोलिए, मैं परमेश्वर का सुना हुआ याजक हूँ। आप भी जानते हैं कि आपकी आपकी पोस्ट क्या है? तू क्या बोल रहा है? तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। आगे, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। समझे ना? इसीलिए क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, और तेरे पास जो ज्ञान नहीं था, तेरे पास तेरे अज्ञानता की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है, इसलिए मैं तुझे याजक पद से हटाऊंगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, ध्यान दीजिए बेटे और देखिए, आप अपने चुनाव को गंभीरता से लीजिए। आप यहां पर जो बैठे हैं ना, गंभीरता से लीजिए इसको। यूं ही आप मत समझिए कि परमेश्वर ने आपको ऐसे ही चुन लिया है। बाइबल कहती है, वचन कहता है, जब आप अपनी माँ की कोख में थे ना, वहां से उसने आपको चुना है। आज प्रकट हुआ है आपको चुना कब था? जब आप माँ की कोख में थे। प्रकट कब हुआ? 40 साल के बाद। आपको अपने अनुरूप पाना है, इसलिए परमेश्वर के साय की कीमत समझिए, इस कलीसिया की कीमत समझिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर मुझसे बुलवा रहा है, इसलिए समुपदेशक 5:5 क्या लिखा हुआ है कि जब भी तू परमेश्वर के भवन में आए तो सावधानी से कदम रखना। मैं और बेटा, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। सावधानी से चलाओ बेटा, कि जब तू अपने घर में कदम रखे सावधानी से चलो। देखिए, घर और परमेश्वर के भवन में अंतर है, अंतर है कि नहीं है? आप क्या घर में बैठे बैठे परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं? आपके ना क्या लिखा हुआ है कि जब तू परमेश्वर के घर में जाए तो सावधानी से कदम रखना। यानी कि सावधानी से तू कहां जा रहा है? परमेश्वर के घर में। क्यों जा रहा है? इस चीज को अपने मन में रखना। तू कौन है? तू क्या लेने के लिए जा रहा है? वहां तुझे क्या मिलने वाला है? सावधानी से कदम रखना जब तू परमेश्वर के भवन में प्रवेश करे। हम चले आते सुबह ऐसे ही। हम
परमेश्वर के घर में आ रहे हैं, हम परमेश्वर से मिलने आ रहे हैं। परमेश्वर आपको नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर आपको देता है। ये बहुत ज्यादा आजकल ऐसे कैमरे हो गए हैं जो आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको देख सकते हैं। कैमरे ऐसे हैं कि नहीं, वो बहुत डेंजरस है। आपको पता ही नहीं कि आप देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपकी हर हरकत को नोट किया जा रहा है। आपको पता ही नहीं कि परमेश्वर आपके हर हरकत को नोट कर रहा है। और एक बात बता दो कि परमेश्वर आपके मन की हरकत को नोट कर रहा है कि आप इस समय मन में क्या सोच रहे हैं। क्यों मसीहों के जीवन में आशीष नहीं है? क्यों मसीह होने के बाद भी आप दुखी हैं, अशांत हैं, निराशा है आपके मन में, आशा नहीं है? क्योंकि इसके जिम्मेदार आप हो, परमेश्वर। आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे, आप नहीं चल रहे। मैं सब बोलता हूं, मैं भाई साहब यहां पर कोई पक्षपात नहीं करता हूं, आपको सबको पता है मैं साफ बोलता हूं। अच्छा लगे आपको बोलती कर नहीं अच्छा लगे तो ठीक है, जो मेरा पिता मुझसे कहता है वो बोलता हूं। अगर मैं आपको वही बोलता हूं तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप बहुत जल्द शैतान के बढ़ने में लगेगा। हो सकता है मेरी ये तीखी बातें कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाए और आप परमेश्वर के चरणों में अपने आप को सुधार लें। अभी भी वक्त है, यूहन्ना की पत्री कहती है अभी भी वक्त है कि तुम उसकी आवाज सुनो। अगर उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को प्रबोध मत करो, दीन का सातवां पढ़िए, यूहन्ना दीन का सातवां। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। कठोर मत करो। अगर आप ऐसे विषय से गुजर रहे हैं, अलर्ट हो जाइए। अगर आपके घर में ऐसे रिश्ते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि यार एली की कथा तो मेरे साथ मिलती चलती है, बुझा दे एली मैं ही हूं, अभी भी वक्त है। परमेश्वर आपको संभालेगा, डरिए मत। लेकिन वो कामना करिए कि आप अपना उद्धार हो बैठे। परमेश्वर ने आपको याचक बनाया, हालेलुया। इसलिए एली मारा गया, लेकर जैसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, एक ही दिन में दोनों पुत्र और एली मर गए। एक ही दिन एली का कोई दोष नहीं था, उसका सिर्फ ये दोष था कि वो अपने बच्चों को सही तरीके से परमेश्वर की शिक्षा नहीं दे रहा। उसके बच्चे परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे थे और वो उन्हें डांट नहीं रहा था, उन्हें समझा नहीं रहा था। ये एली की गलती थी और कुछ नहीं था। एली ने कोई पाप नहीं किया था। आइए राजा से मैं आपको और मिलवाता हूं। राजा आसा अभियान का बेटा था वो। अगर पंद्रह अध्याय पढ़ेंगे पहला शैमुएल 15, पहला शैमुएल, सॉरी पहला राजा 15। इसराइल के राजा यारोबाम ने पिछले वर्ष में आसा युद्ध का पर राज्य करने लगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि यहूदा का एक राजा आसा, जो इसराइल का राजा था यारोबाम, उस समय वो स्थापित हुआ आसा नाम का राजा। देखिए किसने रिश्तों की क्या कदर की है, किसने
होकर यहूदा पर राज्य करने लगा और उसने यरूशलेम में 41 वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम माका था जो अबशालोम की पुत्री थी। अबशालोम के बारे में जानते हैं आप? अबशालोम जो कि दाऊद का बेटा था और जिसने दाऊद के विरुद्ध आक्रमण कर दिया था कि दाऊद की गलती हो गई थी। अबशालोम जो कि दाऊद का बेटा है, तो यहाँ पर कहता कि वो जिसकी माता का नाम माका था जो अबशालोम की पुत्री थी और आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा के दृष्टि में उचित है। उसने पुरुष दाऊदियों को देर से निकाल दिया और उन सब मूर्तियों को जो उसके पूर्वजों ने बनाई थी दूर कर दिया और ध्यान दीजिए उसने अपनी माता माका को भी राजमाता के पद से उतार दिया क्योंकि उसने अशेरा जैसी एक खिलौनी मूर्ति बनाई थी। उसने राजा अपनी माँ को राजमाता के पद से हटाया के विरुद्ध काम कर रही थी, परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रही थी। उसने यह नहीं देखा कि मेरी माँ है लेकिन वो काम मदद कर रही थी। लिखा हुआ राजमाता सबसे इजी थी, ये आसान नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा प्रेम चाहिए परमेश्वर के लिए, इसके लिए वचन पर चलने वाला इंसान होना चाहिए, आसान काम नहीं है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जमीन के हर रिश्ते से ऊंचा है परमेश्वर का रिश्ता। इस चीज को कभी मत भूल, कभी मत भूल। चाहे आपके रिश्तों में आपके पति पत्नी के रिश्तों में, चाहे माँ बेटे के रिश्तों में, माँ बेटे के रिश्तों में, माँ बेटी के रिश्तों में कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आप कलीसिया आते हैं वो भी समर्पण वही चीज होती है। परमेश्वर को अगर आप पहला स्थान नहीं देंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो परमेश्वर उन आशीषों को जो आपने दी है आप उसका यूज नहीं कर पाए, आपकी बुद्धि बदल जाएगी, आपके कठोरता आ जाएगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे। मैं तो सच कह रहा हूं, आप जो परमेश्वर के नियम पे चल रहे हैं, आज जो परमेश्वर के आशीर्वाद से आप कलीसिया में बैठे हुए हैं और परमेश्वर का वचन आपको समझ में आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि आपको बहुत ज्यादा बुद्धि है? नहीं, ये परमेश्वर की कृपा है मेरे लिए, उसने आपकी बुद्धि खोल दी है। हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हम पर कृपा की और हमें अपना दास बनाया, अपनी दासी बनाई। उसकी कीमत तो समझिए, इसलिए वो कहता है समर्थ देशक में कि जब भी तुम परमेश्वर के दरबार में जाओ, घर में जाओ, भवन में जाओ, तो सावधानी से कदम रखना, एक एक कदम सावधानी से रखना। क्या लिखा हुआ है, क्या बोला समर्थ देशक 5 का 1 का उसका लिखा हो, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। सुनने के लिए समीप जाना क्या कह रहा है उसका वचन क्या कह रहा है? ये सुनो, हम संसार को सुनने के लिए करीब जाते हैं, क्या हमारे पड़ोस में क्या लड़ाई हो रही है, आपके पड़ोसों के बीच में लड़ाई हो रही थी, यही खराब करके आप सुनते हैं। सुनने के लिए करीब जाओ, यानी कि आप जब बैठे हो तो अपने रिश्तों से दूर परमेश्वर की बात सुनने के लिए करीब जाओ। प्रभु क्या कहता है, आज पासवान मुझसे कैसे बात करते हैं, आज परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे कैसी बात करते हैं, मुझे क्या सीखने को मिलता है आज, मुझे क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं करूं,
तो पता चलेगा आपको जब आप सुनने के लिए समीप जाएंगे, अपनी आत्मा को समीप लेके जाएंगे परमेश्वर के चरणों में। जब आप हर तरीके से हर तरफ से अपने कान बंद कर लेंगे और सिर्फ परमेश्वर के लिए खोलेंगे।
आप परमेश्वर का स्वभाव पालेंगे भाई, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में उसके वचन काम करने चाहिए। हम क्या उसके वचन आपके जीवन में काम करें, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर जो भी मैंने है, अगर आप अपने रिश्तों से कमजोर हैं, अगर आप अपने रिश्तों से डरते हैं, तो प्लीज प्रार्थना करिए और सामना करिए और जो सच है वो करिए। चाहे आपका पति हो चाहे आपका पत्नी हो, अगर वचन के अनुसार नहीं चल रहा है कोई भी, आप चलिए वचन के अनुसार। याजक लेवी एली की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसे श्राप नहीं, उसकी सिर्फ यही गलती थी कि वो जानता था कि उसके बेटे गलत कर रहे हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर आप जानते हैं कि आपका बेटा गलत कर रहा है उसे रोकिए, अगर आप जानते हैं कि आपका पति गलत कर रहा है उसे रोकिए। आप मत करिए कि मेरा पति है मुझे गिराएगा क्या बोलेगा, नहीं, जो सच है बोलिए उसको सामने, परमेश्वर उससे बात करेगा। लेकिन आप अपना कर्तव्य पूरा करें, आप अपना कर्तव्य पूरा करें।